अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असर बुक्टी। तो आप देख रहे हैं फ्लटर ऐप डेवलपर चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फूड ऐप विद एडमिन पैनल का पार्ट 15 बनाने जा रहे हैं। तो 15 में हम क्या करेंगे, तो जिस तरीके से हमने फर्स्ट प्रोडक्ट लिए थे, ये वाले प्रोडक्ट जो हमने फर्स्ट फायरबेस में पहले ऐड किए थे और फिर हमने गेट करके यहाँ पे लगाए थे। लेकिन पिछले वीडियो मैंने आपको बोला था कि भाई ये भी आप खुद ले लो, लेकिन आपने शायद लिया है या नहीं लिया है। आज हम ये दोनों प्रोडक्ट भी फायरबेस पे पहले ऐड करेंगे और यहाँ पे आके गेट कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं दिया तो जाके लाइक दे दो, और पिछले वीडियो को ज़रूर देख लो क्योंकि हमने पहले वीडियो पे बहुत सारे काम किए हैं, एरर भी सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने अपने फायरबेस को ओपन कर देना है। फायरबेस ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, जैसा कि हमने फर्स्ट प्रोडक्ट जिस तरीके से ऐड किए थे, मैंने आपको कितनी बार बोला था कि प्रोडक्ट इमेज प्रोडक्ट नेम इस तरीके से सीक्वेंस के मुताबिक ले जाओ और प्रोडक्ट इमेज आई को बड़ा कर दो, प्रोडक्ट की कुक्सन छोटा कर दो, ठीक है, इस तरीके से करते जाओ। तो चलिए गाइस अभी हम दूसरे वाले प्रोजेक्ट पे दूसरे वाले नाम ऐड करते हैं, जैसा कि हमारा कौन सा है, हाँ फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट लिखना चाहिए क्योंकि ये फायरबेस है। फ्रूट भी लिख सकते हैं क्योंकि हम, ठीक है एक मिनट। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमने स्पेस लगाया है, ये आप स्पेस मत लगा लें क्योंकि जब आप स्पेस लगाएंगे ना तो आपकी डेटा अच्छे तरीके से नहीं आएंगे। अगर आपको आपसे भूल होकर स्पेस आपने नहीं लगाया है फिर आपकी डेटा नहीं आएंगे, ठीक है। अभी हमने इसको इंटर कर दिया, जैसा कि हम पिछले वीडियो में करते आ रहे हैं सेम टू सेम दोस्तों आपको इस तरीके से करना है, जैसा कि ये आ चुके हैं। अभी हमारे जो फर्स्ट इंडेक्स है यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ पे आके हमें इमेज डाल देना चाहिए, जैसा कि, या फिर आप यहाँ पे भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है अभी आपको यहाँ पे जाना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या कर देना चाहिए, कोई भी यानी जैसा भी इमेज आ जाए तो वो जस्ट PNG हो जाए, क्योंकि जब आप PNG आके लगा लेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरत में आ जाएगा, वरना JPG का तो बैकग्राउंड रूम में है इसीलिए ख़राब आ जाएगा। हाँ दोस्तों अभी ये आ चुका है, अभी आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और इसका जो URL है वो हमें निकाल देना है। मिसाल के तौर पर ये वाला इमेज आ चुका है अभी, ठीक है। अभी हमें क्या कर देना है दोस्तों, सिंपली ये वाला ऊपर जो आपको URL नज़र आ रहा है इसको कॉपी कर दें, और इसको कॉपी करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको अपना फायरबेस पे ये दोनों इमेज पे रिमूव कर दें और अपने फायरबेस में जो हमने प्रोडक्ट इमेज डाला था सिंपली आके यहाँ पे पेस्ट कर दें दोस्तों। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या कर देना चाहिए, जैसा कि हमने इमेज डाला था प्रोडक्ट नेम अभी डाल दें, नेम स्ट्रिंग टाइप का है तो उसका नाम डाल दें, और फिर इसका प्राइस डाल दें, प्राइस, ठीक है प्रोडक्ट प्राइस। देखो यार सेम टू सेम करो, जैसा कि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट आ जाएंगे तो उसका अगर प्रोडक्ट प्राइस है या नाम है वो सेम टू सेम करो, और प्रोडक्ट प्राइस में नंबर कर देना चाहिए। तो नंबर करने के बाद दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर 23, ठीक है ये 23 इसका प्राइस है। एक प्रोडक्ट दोस्तों आ चुका है, अभी हमने दूसरा प्रोडक्ट भी ऐड कर देना चाहिए, यहाँ पे दूसरा भी ऐड करना है और हमें तीसरा भी इस तरीके से ऐड कर देना है, जैसा कि पहला हमने फिल किया है, दूसरा भी फिल नहीं है, तीसरा भी फिल नहीं है। तो दूसरे को पहले फिल करते हैं इमेज, और इसका इमेज जो है ना हमारे होम पेज पे है, तो आप इसको इस तरीके से कर लें, और ये वाला जो है इसका इमेज में निकाल देना है, यहाँ पे देखें स्क्रीन, और यहाँ पे होम पेज पे जाएं। होम पेज जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जितने हमने URLs यूज़ किए हैं, मिसाल के ये तो पहले वाले हैं, इसका डेटा तो हमने फायरबेस पे लिया था, अभी ये जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है इसका आपको यहाँ पे सिंपली ये फर्स्ट URL है और ये सेकेंड URL है, अभी इसका कॉपी कर दें और यहाँ पर आके पेस्ट कर दें दोस्तों, और यहाँ पर इसका नाम होगा नेम, और प्रोडक्ट नेम लिख लें यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अभी हमने नाम भी इंटर कर दिया है, अभी इसका प्राइस लाजमी ऐड कर दें,
प्रोडक्ट प्राइस, सॉरी प्राइस, और यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है, इसको नंबर कर देना चाहिए, और 21 प्राइस लिख लें, यानी कि 21 हमने सिंगल लिखा है, क्योंकि यहाँ पे फायरबेस पे डॉलर का निशान, यानी डॉलर का निशान आप नहीं ऐड कर सकते, तो डॉलर का हमें निशान वहाँ पे अपने फ्लटर पे देना चाहिए। दो प्रोडक्ट दोस्तों ऐड हो चुके हैं, अभी हमने तीसरा भी ऐड कर देना है, प्रोडक्ट अमेज, ये वाला है इसका मेरे ख्याल में, नहीं सॉरी ये वाला है, हाँ स्ट्रिंग सही है, अभी इसको ऐड करना है दोस्तों, फिर इसका नाम ऐड करना है, प्रोडक्ट नेम और ठीक है, अभी इसका नाम भी हमने ऐड किया है दोस्तों, अभी इंटर कर लें। इंटर करने के बाद दोस्तों अभी आपको क्या कर देना चाहिए, सिंपली ये वाला प्रोडक्ट भी फ्रेश प्रोडक्ट भी हो चुका है और ये वाला प्रोडक्ट भी हो चुका है दोस्तों। अभी हमने दोबारा एक प्रोडक्ट ऐड करना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे तीन प्रोडक्ट्स हैं हमारे, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये थर्ड है रूट वाला, ठीक है। अभी हमें रूट वाला प्रोडक्ट भी ऐड करना चाहिए ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग में समझ में आ जाए दोस्तों। तो यहाँ पे हमें रूट वाला प्रोडक्ट प्रोडक्ट और इसको एंटर कर लें दोस्तों, ऑटो कर लें और एंटर कर लें फिर से। अभी दोस्तों ये भी आ चुका है, इसका पहला वो जो पहला डॉक्यूमेंट्स है ये रेडी हो चुका है, अभी इसका नाम दे दें, प्रोडक्ट अमेज, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमेज हो जाएगा और इसके बाद सब कुछ हो जाएंगे। यहाँ पे जाओ दोस्तों, और यहाँ पे जाने के बाद अभी इसको बंद कर दो, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट भी रेडी हो चुका है, फायरबेस में इसका ऐड है लेकिन गैट नहीं है, इसका ऐड भी है गैट भी है, अभी यहाँ पे इसका ऐड भी नहीं है, इसको ऐड करते हैं पहले, कॉपी कर दें दोस्तों, यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर दें और इसका अमेज हो चुका है। अभी प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट नेम है इसका, नेम डाल दें और फिर से इसका प्राइस डाल दें, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 31, 41, ठीक है। अभी स्ट्रिंग नहीं है सॉरी, अभी आपको नंबर कर देना चाहिए, 41 लिखें और इसको इंटर कर दें दोस्तों। अभी इंटर करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे दोबारा एक ऐड करना चाहिए, मिसाल के तौर पर एक दूसरा भी ऐड कर दिया है हमने, और दूसरा का नाम है प्रोडक्ट अमेज, पहले तो अमेज करने के बाद दोस्तों सिंपली ये दूसरा वाला इसका जो अमेज है यहाँ पे सिंपली आपको कॉपी कर देना है, और कॉपी करने के बाद दोस्तों अभी क्या कर देना है, यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर दें, एंटर कर लें। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट अमेज हमने तो डाला है, अभी नेम नेम का जो एन है इसको बड़ा कर दें, क्योंकि सब सबका बड़ा है, तो अगर इसका छोटा किया तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ पहले से। और अभी जो इसका ठीक है, अभी इसका नाम भी हो चुका है दोस्तों, हाँ अभी इसका प्राइस भी ऐड करना है, प्राइस और इसको नंबर कर दें, और नंबर करने के बाद दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हैं, 14 साल के तौर पर मैं लिखता हूँ $97। और दूसरा प्रोजेक्ट भी हो चुका, प्रोडक्ट भी हो चुका है, अभी आपको तीसरा प्रोडक्ट भी ऐड करना है, रूट प्रोडक्ट का तीसरा प्रोडक्ट, अभी यहाँ पे हमें ऐड कर देना है, प्रोडक्ट अमेज, और प्रोडक्ट अमेज हमने ऐड किया है दोस्तों, अभी प्रोडक्ट अमेज यहाँ पे आके सिंपली ये तीसरा वाला जो अमेज है जो हमने यूज़ किया, सॉरी कैंसिल कर लें, अभी इसको कॉपी कर दें दोस्तों और यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर दें, और ये जो कोटेशन है इनको हटा दीजिए, ये वाले जो कोटेशन है और स्पेस हैं इन सब को हटा करने के बाद इंटर कर लें दोस्तों। अभी प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम दोस्तों, अभी आपको नेम जो है ना इसका नेम रखना है, मिसाल के तौर पर फ्रेश, ठीक है अभी ये इसका नाम है तीसरे प्रोजेक्ट का। अभी तीसरे प्रोडक्ट का प्राइस भी ऐड करना है, नंबर कर लें दोस्तों, नंबर करने के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, 11
अभी दोस्तों ये भी हो चुका है, ठीक है। अभी आपको क्या करना चाहिए, तीन प्रोडक्ट जो हमने ऐड किए हैं इनमें से एक सिर्फ और सिर्फ ये वाले प्रोडक्ट का हमने सारा कुछ लिया है। अभी आपको इसको सिंपली इस तरीके से करना है और यहाँ पे आपने अभी हम जो है ना जितने प्रोडक्ट हमने ऐड किए हैं हमें इसको गाइड कर देना चाहिए दोस्तों। सिंपली क्या कर देना है, इसका जो मॉडल है सेम रहेगा, इसका जो प्रोवाइडर है सेम रहेगा, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन चेंज करना होगा जिस तरीके से हमने ये लगाए थे। अभी आपको यहाँ पे कमांड लिखना है, मिसाल के तौर पर कमांड लिखना है और ये वाला प्रोजेक्ट है इसका नाम लिखें और यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट लिखें कि इसको हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रोडक्ट हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली सेम टू सेम ये वाला जो जितने भी ये वाले हैं, ये वाला फंक्शन है टोटली इसका लिस्ट है यानी रिटर्न है, इसको कॉपी कर लें और फ्रेश प्रोडक्ट पे आके लगा लें दोस्तों। अभी कुछ एरर आएंगे क्योंकि ये नाम सेम है। अभी ये जो पहला वाला लिस्ट है अभी इसका नाम अपना रख लें फ्रेश और प्रोडक्ट मॉडल है, ये प्रोडक्ट मॉडल एक होना चाहिए, इसको यहाँ पे आके रख लें। और फिर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो फैच इसका डेटे हैं जो पहले वाले हैं इसको रिमूव कर दें, ये फ्रेश डेटे हैं फैच फ्रेश प्रोडक्ट डेटा, ठीक है दोस्तों। अभी ये इसका नाम हो चुका है, अभी फ्रेश एफ को बड़ा कर दें, ठीक है। अभी ये भी हो चुका है, ये वाला है और न्यू लिस्ट को रहने दीजिए, न्यू लिस्ट करें और यहाँ पे भी गेट हो जाना चाहिए सेम टू सेम। और अभी ये वाला जो रिटर्न कर रहा है यहाँ पे आपको अपना नाम लेना है यानी कि फ्रेश वाला, फ्रेश प्रोडक्ट वाला, और यहाँ पे भी ये वाला प्रोडक्ट हो चुका है दोस्तों। अभी ये वाला कॉपी कर लें और यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर दें और इसको भी यहाँ सॉरी बैक कर लें और यहाँ पे इसको आके पेस्ट कर दें। सिर्फ हमने क्या किया है दोस्तों, सेम टू सेम चीज़ है, यहाँ पे इसका नाम है, यहाँ पे हमने इसका नाम रखा है, इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन, न्यू लिस्ट सेम होना चाहिए, इसके अंदर भी होना चाहिए और इसके अंदर भी होना चाहिए न्यू लिस्ट, ठीक है। अभी ये जो कलेक्शन है सेम टू सेम, हमें जस्ट ऑफ जस्ट कलेक्शन का नाम चेंज कर देना है, बाकी सब ठीक है। अभी यहाँ पे हमने कलेक्शन का नाम चेंज किया है दोस्तों, अभी ये वाला हो चुका है। अभी इसका डेटा तो हमने गेट किया है दोस्तों, अभी क्या कर देना है हमें, इसको कॉल करके आपको रेंडर कर देना है यहाँ पे आके, आप शायद देख सकें कि हमने डेटा इसका गेट किया है, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने होम पेज की तरफ दोस्तों। होम पेज पे जैसा आपने देखा था हमने ये वाला फैच प्रोडक्ट इसका कॉल किया था, हमें अभी फ्रेश वाला फैच फ्रेश वाला फंक्शन भी कॉल कर देना चाहिए जैसा कि हमने बनाया था। इनिट सेट पे आके सिंपली कॉल कर दें दोस्तों। अभी आपको क्या करना चाहिए, जो माय प्रोवाइडर है यहाँ पे रखा था और यहाँ पे आके इक्वल किया था बिल्ट फंक्शन में, अभी हमें आपको यहाँ पे जाना चाहिए और यहाँ पे कितने सारे प्रोडक्ट हैं इनमें से सबको रिमूव कर दें, सिर्फ एक को छोड़ दें। अभी ये जो दो प्रोडक्ट हैं इसको रिमूव कर दें दोस्तों, अभी सिर्फ और सिर्फ देखें एक ही बच गया है, ठीक है। अभी आपको क्या करना चाहिए, ये वाला रॉ है इसको भी सेलेक्ट कर दें, कमांड कर दें मेरे ख्याल में। अभी दोस्तों चिल्ड्रन में आके यहाँ पे इस तरीके से लिखना है और डोंट इसका नाम क्या था, फै गेट फ्रेश प्रोडक्ट लिस्ट डोंट मैप लगा लें दोस्तों, मैप के आखिर टू लिस्ट लगा लें और टू लिस्ट के बाद ये जो नल है और इक्वल असाइन है इसको इस तरीके से कर लें दोस्तों जैसा कि हमने ई को हटा के डेटा किया था। अभी इसको भी डेटा कर लें या कुछ भी आप कर सकते हैं दोस्तों, मिसाल के तौर पर हम अपने इसका नाम क्या रखा था दोस्तों, यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट के नाम रखे थे। अभी हमें क्या कर देना चाहिए, ई को हटा कर अपने फ्रेश प्रोडक्ट डेटा रखना है। अभी आपको दोस्तों इसको कॉपी कर देना है सिंपली और यहाँ पे आके इंटर कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देना चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी एरर या कुछ भी हो जाए दे सकें, सेम टू सेम हमने इसका रखा था, सेम टू सेम वैसे ही आके इसका भी इस तरीके से रख लें जैसा कि हमने यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है और सिंगल प्रोडक्ट को इस तरीके से कर लें दोस्तों। ये सेम टू सेम चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो फंक्शन है प्रोवाइडर की ये आपको चेंज कर देना चाहिए जैसा कि प्रोवाइडर डॉट पहले वो ऊपर वाले का नाम था फर्स्ट प्रोडक्ट का, अभी हमने फ्रेश प्रोडक्ट डेटा का लिस्ट लगाया है सेम टू सेम है, अभी इसका नाम चेंज किया है, अभी हमें लगा देना चाहिए कि आ रहा है या नहीं, डॉट प्रोडक्ट नेम और इसके अंदर जो प्रोडक्ट प्राइस है फ्रेश डॉट प्रोडक्ट प्राइस और इसके बाद क्या क्या है इसका इमेज है
अभी इसका इमेज भी रिमूव करना है। पहले वाला इमेज जो है ना इसका कुछ भी नहीं आ रहा था, अभी आपको इसका इमेज भी इंशाल्लाह आ जाएगा। फ्रेश डॉट प्रोडक्ट इमेज, अभी दोस्तों ये तीनों हो चुके हैं। अभी आपको ये सेम टू सेम कॉपी करके ये जो डिटेल्स पेज है, प्रोडक्ट ओवर व्यू पेज है, यहाँ पे आके रख लेना है सेम टू सेम चीज़। अभी दोस्तों ये डेटे नहीं आ चुके हैं, क्योंकि इसीलिए ये डेटे इननेट स्टेट में काला है, आपको एक बार रिफ्रेश करना ही होगा। अभी दोस्तों ये रिफ्रेश होने के बाद इंशाल्लाह डेटा आ जाएंगे, अगर डेटा आ गया तो प्लीज़ एक लाइक करें। एक मिनट, हाँ बैड स्टेट डॉक्यूमेंट, इसका मतलब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले बताया था इसका नाम में कुछ भी खराबी मत आए। मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, ये तो सही है। दूसरे वाले चेंज करते हैं, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, ये भी सही है। देखें अभी ये तीसरे वाले पे हमने प्राइस नहीं लगाया, यहाँ पे डेटा नहीं आए गए हैं। अभी आपको क्या कर देना चाहिए, यहाँ पे आके प्रोडक्ट प्राइस लाजमी ऐड करना चाहिए और सेम टू सेम। अगर हमने पी को छोटा कर दिया तो भी ये सेम टू सेम मेरे रहेगा दोस्तों। और इसको नंबर कर लें, इसको कुछ भी आप दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ 33। ऐड कर लें दोस्तों, अभी आपको इस तरीके से आना है, इसको एग्जैक्ट करना है ये वाले एरर को, अभी आपको रिफ्रेश कर देना है तो गुम गाइस आपका डेटा आएंगे मेरे ख्याल में। अगर आ गए तो एक लाइक बनता है। अभी आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहां पे प्रोडक्ट आपका आ चुका है। एक मिनट, इसका इमेज थोड़ा लेट आएंगे क्योंकि हमारा नेट स्लो है। ये देखें दोस्तों, इसका नाम भी आ चुका है, इसका इमेज नाम भी इसका आ चुका है, इसका भी नाम आ चुका है। इसका प्राइस हमने रखा था 23, इसका नाम रखा था 21, इसका रखा था 33। दोस्तों अभी ये आ चुका है, ठीक है, इसके इमेज थोड़ा लेट आ रहे हैं क्योंकि नेट का मसला है, वरना ये फुल टू फुल सही है। अभी बैक कर दें दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे ये वाला आखिरी वाला जो प्रोडक्ट है इसका इमेज सेम है, अभी इसकी डेटा भी हमें गेट करना चाहिए दोस्तों। अभी इसका डेटा हमें किस तरीके से गेट करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ये वाला आने दे दें, ठीक है। अभी आपको सिंपली प्रोडक्ट में जाना चाहिए, प्रोवाइडर में, इसको कॉपी कर लें दोस्तों, यहाँ पे स्लैश कमांड लेके हैं। ये देखें दोस्तों अभी इसका ये दोनों प्रोडक्ट आ चुके हैं, अभी ये भी आ चुका है, इसका इमेज थोड़ा सा HD है इसीलिए लेट आ रहा है। रूट प्रोडक्ट का नाम लिखें और इसके बाद आपको दोस्तों सिंपली ये वाला जो नीचे वाले हैं इसको इस तरीके से यहाँ तक कॉपी कर देना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है दोस्तों। यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, इसका लिस्ट है। अभी आपको क्या कर देना चाहिए, इसको फ्रेश को हटा के रूट कर देना है और यहाँ पे फैच फ्रेश प्रोडक्ट डेटा यहाँ पे रूट कर लें और यहाँ पे आके भी रूट कर लें, ठीक है। और न्यू लिस्ट है, यहाँ पे सही है, यहाँ तक सही है, एलिमेंट सही है, न्यू लिस्ट सही है। और यहाँ पे देखें फ्रेश फूड है, अभी आपको क्या कर देना चाहिए, रूट, और यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे भी रूट कर देना चाहिए और इसका नाम चेंज कर देना चाहिए, गेट फ्रेश है और गेट रूट प्रोडक्ट। अभी दोस्तों ये भी आज का सिंपल सा आसान चीज़ था, सिर्फ हमने कॉपी पेस्ट कर दी है और कॉपी पेस्ट करने के बाद दोस्तों ठीक है, दोस्तों अभी कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोवाइडर को एग्जिस्ट करना है, एग्जैक्ट करना है दोस्तों। अभी ये दोनों प्रोडक्ट हमने लिए हैं, अभी आपको दोबारा इंडेक्स प्रो नेट स्टेट पे जाना है और दोस्तों देखें ये वाला भी इमेज आ चुका है, देखें अभी इंटर कर लें। इंटर करने के बाद दोस्तों फैक रू डेटा सिंपल तीनों को हमने कॉल किया है, ठीक है। अभी आपको क्या कर देना चाहिए, ये वाला प्रोडक्ट नाम इमेज चेंज है, ये तीनों आ चुके हैं, अभी इसका भी तीनों आ चुके हैं। और दूसरा बात ये अमेजिंग बात यह है, जैसा कि डिटेल पेज में भी सेम आ रहे हैं, ठीक है, ये डिटेल पेज और इसका जो प्रोडक्ट है इन दोनों का ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये इसका डेटा लेना है वो किस तरीके से, जैसे हमने इननेट स्टेट पे कॉल किया था सेम टू सेम जो ब्रो, जैसा कि पहले वाले पे ले रहे हैं सिंपली दूसरे इसका भी उसी तरीके से लेना है। दो प्रोडक्ट को एग्जिट करना है पहले और एक को स्लैश कर देना है और यहाँ पे चिल्ड्रन लगाना है और चिल्ड्रन के आगे आपको क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट प्रोवाइडर डॉट गेट रूट डेटा डॉट मैप और यहाँ पे टू लिस्ट और
कॉमा लगा लें दोस्तों। कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये वाला नल है और इक्वल है, इसको हटा देना है इस तरीके से। और फिर आपको क्या कर देना चाहिए दोस्तों, सिंपली इसको कॉपी कर देना है और यहाँ पे आके गेट है, यहाँ पे सिंपली रूट रूट प्रोडक्ट डेटा और लिस्ट को हटा लें दोस्तों। अभी ये भी आ चुका है दोस्तों। अभी आपको क्या कर देना चाहिए, यहाँ पे आके रिटर्न लगाना है। और रिटर्न लगाने के बाद दोस्तों ये वाला ऊपर वाले प्रोडक्ट पे जाएँ, सिंगल प्रोडक्ट पे, और इसका ये वाला चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको ये वाला चीज़ें हैं, और इसको यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट को कॉपी कर लें और फिर इसको इस तरीके से बंद कर लें और यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर लें दोस्तों। अभी दोस्तों ये पेस्ट हो चुका है। अभी आपको इसका जो नाम है रूट रूट वाला लगाना है, सिंपली इसके डेटा रिमूव करके रूट वाला लगा लें दोस्तों। अभी आप सोच रहे हो कि ये डेटा आएंगे या नहीं आएंगे, तो पहले नहीं आएंगे क्योंकि हमने रिफ्रेश नहीं किया है। तो दोस्तों अगर दोबारा रिफ्रेश कर लिया है, अगर दोबारा ये वाला प्रोडक्ट भी आ गए तो एक लाइक दोबारा कर लें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों साथ साथ। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीसरा वाला प्रोडक्ट भी आ चुका है टोटली, सिर्फ और सिर्फ इसका इमेज नहीं आ रहे हैं दोस्तों। तो इमेज भी इंशाल्लाह जल्द आएंगे, देख सकते हैं आप इमेज भी आ चुके हैं इसका, और इसका इमेज भी आ चुके हैं दोस्तों। अभी इसका नाम भी मेरे ख्याल में आ चुका है, अभी इसका भी इमेज आएगा, इसका भी इमेज आ चुका है। एक मिनट, हाँ इमेज आ चुका है दोस्तों। इमेज सेम इसीलिए है क्योंकि आप इमेज फायरबेस में आके चेंज कर लें तो ये वाले चेंज हो जाएंगे, आपको कोई इशू नहीं है इसके लिए, ठीक है दोस्तों। अभी ये भी प्रोडक्ट हमने फायरबेस पे लिए हैं और ये भी है दोस्तों। अगर यार आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाले बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि जब तक मैं फूड ऐप विद एडमिन पैनल का नया पार्ट अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिलता ही रहें। और लाइक कमेंट करें, अगर कोई भी इश्यूज डाउट आपके माइंड में आ जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इनका ज़रूर आपका रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों।